आज मराठा आरक्षण के संदर्भ में सम्माननीय मंत्री अशोक चव्हाण जी ने पूरे तरीके से झूठी बातें सभागृह में रखी। जो चीजें अटर्नी जनरल साहब ने नहीं कही वो चीजें भी उनके मुंह में डालने का प्रयास किया, और इसलिए मैंने उनके खिलाफ विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव रखने की सूचना दी है और उस प्रकार से मैंने परमिशन भी मांगी है। आज जो उन्होंने कहा है, हमारे मंत्री जी को ये पता ही नहीं कि जो कानून हमने तैयार किया वो 102वें अमेंडमेंट के पहले तैयार किया है, और उस तैयार कानून में केवल हमने अमेंडमेंट किए, और इसलिए कानून रेट्रोस्पेक्टिवली 102 से बाधित नहीं होता। हमारे मंत्री जी को ये भी पता नहीं है कि यही मुद्दा हाईकोर्ट में आया था और हाईकोर्ट ने 2 पेज उसके ऊपर लिखे है और 102 से ये कानून बाधित नहीं होता, ऐसा हाईकोर्ट ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है। बावजूद उसके ये जिस प्रकार की बातें कही गई और उसके बाद सत्ता पक्ष ने विरोधी पक्ष को बोलने नहीं दिया, इससे सीधा सीधा ये ध्यान में आता है कि सत्ता पक्ष को हमारे जमाने में जो रिजर्वेशन मराठा समाज को हमने दिया था उस कानून को निरस्त करना है और उसका ठीकरा केंद्र सरकार के सिर पर फोड़ना है, और इसीलिए इस प्रकार की गलत बातें बताई जा रही है। मैंने विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव सामने रखा है।